इग्नू क्षेत्र केंद्र नोएडा द्वारा आयोजित ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू हेडक्वार्टर द्वारा दिए जाने वाले वेब सपोर्ट के बारे में, और यहाँ पर हमारा विशेष फोकस होगा इग्नू की वेबसाइट पर ignou.ac.in। यहाँ पर हमारा मेन हम फोकस करेंगे स्टूडेंट सपोर्ट पर और रजिस्टर ऑनलाइन पर, दो चीज़ों पर, रजिस्ट्रेशन और टर्म एंड एग्जाम पर। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स या लेटेस्ट अपडेट्स जो स्पेशली स्टूडेंट्स के काम के होते हैं वो यहाँ पर अपडेट किए जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि इनको फर्दर लिंक क्रिएट किया गया है। तो हमारे विद्यार्थियों से हमारा यही अनुरोध है कि वो हमारी वेबसाइट ignou.ac.in को रेगुलरली विजिट करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स विश्वविद्यालय की तरफ से होते हैं उनको उन चीज़ों के बारे में समय पर जानकारी मिलती रहे। ऊपर चलते हैं और हम बात करते हैं अब स्टूडेंट जोन में। जो विद्यार्थी हमारे इस सत्र में जिनका एडमिशन हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि उनका एनरोलमेंट नंबर उनको मिल गया होगा। तो हम यह दिखाना चाहते हैं कि आपका विश्वविद्यालय में क्या आपकी डिटेल्स रजिस्टर हुई हैं। तो आप यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, प्रोग्राम कोड लिखेंगे और यहाँ कैप्चा आप लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपका नाम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, आपका एडमिशन कब हुआ है, आपका एडमिशन कब तक वैलिड है, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, ये सब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही में आपकी कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि आपने कौन से सेशन में किन किन कोर्सेज में रजिस्टर किया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपका अगला काम है क्लासेस अटेंड करने का, जिसके बारे में आपको पिछली वीडियोस में बताया गया है कि आप काउंसलिंग सेशंस अटेंड करेंगे। और काउंसलिंग्स के बाद में बहुत ज़रूरी कंपोनेंट असेसमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में आपका जो असेसमेंट है वो दो माध्यम से होता है, कंटिन्यूस असेसमेंट, एक टर्मेंट असेसमेंट। तो कंटिन्यूस असेसमेंट क्योंकि असाइनमेंट्स के माध्यम से है और आपको URLs दिखाए गए थे, तो यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो URL कहाँ पर दिए गए हैं। तो जब स्टूडेंट सपोर्ट में जाते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर असाइनमेंट्स का लिंक क्रिएट किया हुआ है। आप इसको क्लिक करते हैं तो आप उस पेज पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं। आप उनको डाउनलोड करेंगे, यहाँ से असाइनमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और इंस्ट्रक्शंस जैसा कि आपको पहले दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे। एक ज़रूरी लिंक यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर्स का है, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं। साथ ही में आप देख पा रहे होंगे डेट शीट यहाँ पर अपलोड की गई है, ये लिंक क्रिएट किया गया है डेट शीट का। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप आने वाले एग्जामिनेशन कब कब होने वाले हैं उनके बारे में आप यहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ यहाँ पर फॉर्म्स दिए गए हैं और कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। तो वेबसाइट को पूरी तरह से हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि वो स्टूडेंट जोन, स्टूडेंट सपोर्ट में दी गई सभी विंडोज़ में एक बार जा करके खोल करके देख लें कि उनके काम की चीज़ें कहाँ कहाँ पर दी गई हैं। ये बात थी असाइनमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में। तो इसके पहले कि हम यहाँ आगे रिजल्ट के बारे में बात करें, हम चलते हैं टर्म एंड एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो इग्नू के होम पेज पर ये रजिस्टर ऑनलाइन का टैब है, उसमें नीचे आप देख रहे हैं टर्म एंड एग्जाम, इसको आप क्लिक करते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म की विंडो खुल जाती है। आपको इसी लिंक के माध्यम से, इसी URL के माध्यम से एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना होगा, और ये पूरा प्रोसीजर आपको पिछली वीडियोस में बता दिया गया है। आप क्योंकि आप एग्ज़ाम दे देंगे या आपने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो हॉल टिकट आपको चाहिए होगा एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो हम दिखा देते हैं कि आप अपना हॉल टिकट रिजल्ट्स में जाएंगे और यहाँ हॉल टिकट पर क्लिक करेंगे और जिस भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होने वाले हैं उस पर क्लिक करेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे तो आपका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा।
जब आपने एग्जाम दे दिया तो आप कैसे अपना रिजल्ट चेक करेंगे? उसके लिए दो चीजें हैं, एक आपका टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट, एक आपका ग्रेड कार्ड का रिजल्ट। पहले मैं आपको यहाँ टर्म एंड का रिजल्ट दिखा देती हूँ और मैं एक छोटा सा डेमो यहाँ दे देती हूँ, क्योंकि इस एनरोलमेंट नंबर के अंडर टर्म एंड एग्जाम दिया गया था, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ एनरोलमेंट नंबर लिखा, तो यहाँ पर किस कोर्स में कितना ग्रेड आया है वो यहाँ अपडेट है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं है, तो आपको असाइनमेंट के मार्क्स देखने हैं तो आपको ग्रेड कार्ड पर क्लिक करना होगा। यहाँ BCA, MCA, MP, MPB वाले यहाँ क्लिक करेंगे, BDP, BA, BCom, BSc, एसोसिएट के यहाँ क्लिक करेंगे, बाकी सभी विद्यार्थी फॉर अदर प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वापस से देखते हैं कि ग्रेड कार्ड किस तरह का दिखता है कंप्लीट होने के बाद में। आप यहाँ देख सकते हैं ये कोर्स कोड है, असाइनमेंट्स में कितना स्कोर रहा है, क्या ग्रेड मिला है, और टर्म एंड थ्योरी में क्या ग्रेड मिला है, और उस पर्टिकुलर कोर्स का क्या स्टेटस है। अगर इसमें से असाइनमेंट का मार्क्स मिस होता या टर्म एंड थ्योरी का मार्क्स मिस होते तो यहाँ पर नॉट कम्प्लीट लिखा होता। अब क्योंकि ये दोनों कॉम्पोनेंट कम्प्लीट हैं, असाइनमेंट और टर्म एंड थ्योरी, तो ये स्टेटस यहाँ कम्प्लीटेड शो कर रहा है। ये बात रही आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने से लेकर के आपका रिजल्ट चेक करने तक की। अब हम बात करेंगे हमारे उन विद्यार्थियों के बारे में जो उन प्रोग्राम्स में उन्होंने एडमिशन लिया है जिसका ड्यूरेशन एक सेमेस्टर से ज़्यादा है या एक साल से ज़्यादा का प्रोग्राम है, जैसे कि कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम हुआ या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम हुआ। तो उन विद्यार्थियों को जिस समय वो टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसी समय पर उनको री रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। इस प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो मैं यहाँ पर आपको वो लिंक दिखाना चाहती हूँ जिसके माध्यम से आप री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जनवरी 2021 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है और उसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है। तो ये URL ओपन करते हैं, प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ से हम री रजिस्ट्रेशन यानी कि अगले सेमेस्टर के लिए या अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि जब आप कोई फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उस पोर्टल पर दी गई सारी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें ताकि उसके बारे में आपको कोई क्वेरी ना हो। एक हम यहाँ बात कर लेते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में। कई बार हमारे विद्यार्थी कुछ चीज़ों के बारे में उनकी ग्रीवेंसेस रहती हैं और वो कई बार शिकायत करना चाहते हैं, हालांकि वो कई बार शिकायत भी नहीं होती, वो कुछ क्वेरीज ही उनकी होती हैं, तो वो यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे विद्यार्थियों को कि अपना ग्रीवेंस पोस्ट करने की बजाय यदि आप रीजनल सेंटर को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लें तो आपको कोई ग्रीवेंसेज ना हो, आपकी कोई क्वेरीज अनअटेंडेड ना रहें, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID rcnoida@acmi.ac.in। और इसके अलावा आप जानकारी हमारी rcnoida.acmi.ac.in वेबसाइट से भी ले सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं, हमारे ट्विटर अकाउंट से ले सकते हैं। आप सभी के लिए ढेरों शुभकामनाएं, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।